दोस्तों चिकन यखनी पुलाव एक स्पेशल टाइप का ही पुलाव होता है जिसमें यखनी बनता है चिकन से और चिकन का वो जो ग्रेवी होता है वो ग्रेवी में ही हम लॉन्ग ग्रेन बासमती को डालते हैं और उसके साथ ही वो कुक होता रहता है। और उसमें पानी का क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपका पुलाव भी रेडी हो जाए और आपका जितना सारा पानी है वो पूरा का पूरा पानी यूज हो जाए आपका राइस को कुक करने के लिए। तो ये एक बनेगा अलग टाइप का एक डिश। तो ये व्हाइट वाला बेस रहेगा, इसमें थोड़ा सा सब्जी भी रहेगा पुलाव में, काजू रहेगा मतलब ड्राई फ्रूट्स रहेगा और इसके साथ रहेगा सैफ्रन। जो ईरानियन पुलाव होता है, जो ये नवाबी अंदाज अफगानी या ईरानियन स्टाइल का जो पुलाव होता है उसमें खास करके बेरीज डाला जाता है। तो जेरेस बेरी मेरे पास है, अगर आपके पास जेरेस बेरी नहीं है तो आप क्रैनबेरी भी यूज कर सकते हो जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए आज बनाते हैं ईरानियन पुलाव। बनाइए, खाइए और खाके आपका फीडबैक कमेंट में पोस्ट करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपका रिजल्ट कैसा है। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए अनकट लेग पीस लिया है। यखनी पुलाव कोई छोटा वाला पीस से अच्छा नहीं बनता है, बना तो सकते हो आप, जबरन आप बना सकते हो पर वो अच्छा नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लेग पीस लिया है, अनकट लेग पीस मतलब ये लेग है और ये थाई है, पूरा का पूरा पीस मैंने लिया है। और मैं अभी इसको इससे बनाऊंगा एक यखनी, मतलब जो ग्रेवी होता है वो ग्रेवी, और उसके अंदर मैं कुक करने वाला हूँ राइस को। तो इसके लिए मुझे कुछ मसाला चाहिए, तो एक एक करके मैं मसाला बना दिखाता जाऊंगा। और सैफरन का मैंने एक पानी बना के रखा है वो भी मैं दिखाऊंगा। एक स्पेशल चीज है जो है गुलाब की पंखुड़िया। ये गुलाब पंखुड़िया आप अंदाज से लो, ये एक मिक्सचर बनेगा ये गुलाब की पंखुड़िया से। ये ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस जाएगा पुलाव में और ये बनाएगा मसाला। तो इसके साथ जीरा के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा सौंफ। तो जीरा, सौंफ और गुलाब की पंखुड़िया ये मिला के हम बनाएंगे ड्राई मसाला। ये तीखा साइड पे होता नहीं, तो मैं ये जो मिर्ची है ना शिमला मिर्च, तो ये वाला मिर्ची को मैं यूज करूंगा। ज्यादातर जो ईरानियन साइड का जो पुलाव होता है उसमें गाजर यूज किया जाता है, तो मैं रेड टेक्सचर के लिए बस ये मिर्ची यूज करूंगा। ये तीखा नहीं है बिल्कुल, ये बस कलर देने के लिए और एक टेक्सचर देने के लिए ये है। तो चलिए ये मिर्ची और बाकी सारा चीज सीधा का सीधा कुकिंग में। आप अगर प्रोसेस को शॉर्ट करना चाहते हो तो इसमें आप ऐसे एक कपड़े में बांध के ये यूज करो, तो क्या होगा आपका जो यखनी रहेगा वो बहुत फाइन रहेगा और आपको फिल्टर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हमने ले लिया एक जावित्री, दो ब्लैक कार्डमम या काली इलायची, एक स्टार एनिस, छोटा छोटा कुछ दालचीनी, चार ग्रीन कार्डमम और कुछ लौंग और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तेज पत्ता है तो तेज पत्ता डालिए, नहीं तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ काफिर लाइम, तो कुछ काफिर लाइम। तो ये काफिर लाइम क्योंकि जो ईरानियन पुलाव होता है तो उसमें नेचुरली थोड़ा लेमन और सिट्रस फ्लेवर वो पसंद करते हैं, तो इसके लिए जेरेस बेरी भी डाला जाता है कि उसमें थोड़ा सा खट्टापन आए। तो हम ये मिला के सिट्रस फ्लेवर भी देंगे और जेरेस बेरी डाल के उसमें खट्टापन भी देंगे। तो चलिए इसको पहले पोटली कर लेते हैं और पोटली करने के बाद दूसरा प्रोसेस में जाते हैं। दोस्तों यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने गैस पे लगा दिया एक पैन और हम अभी इसमें डाल दिया एक वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों हम डाल देंगे इसमें वेजिटेबल ऑयल के साथ हम डाल देते हैं घी। डाल दीजिए इसमें अपना बनाया हुआ जो पोटली था वो पोटली, इसका कंटेंट आपको मैंने स्पेशली दिखाया, तो ये पोटली हम डाल देते हैं। दोस्तों हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काजू और काजू डाल के काजू को उठा लेंगे, नहीं तो काजू जलता रहेगा। काजू कलर पकड़ना चालू कर दिया और हम ये काजू को उठा लेंगे। और हम अभी इसमें डाल देंगे प्याज। ध्यान में रखिए आपको यखनी बनाना है वो भी बहुत स्मूथ वाला यखनी, तो इसमें कोई तामझाम नहीं रहेगा, बस प्याज डाला। हम डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट, कोई कलर इसमें नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा व्हाइट होना चाहिए। डाल देते हैं इसमें अदरक का पेस्ट, आँच को करिए तेज और डाल दीजिए चिकन। ये वन पॉट रेसिपी होगा, वन पॉट पुलाव। दोस्तों मैंने पहले एक बरेस्ता बना के ही रखा है,
तो ये जो बरेस्ता है ये प्याज फ्राई करके मैंने ये प्याज का इन्फ्यूज्ड ऑयल ऑलरेडी बना के रखा है, तो मैं ये प्रोसेस में वो इन्फ्यूज्ड ऑयल को यूज करूंगा कि इसका फ्लेवर और भी एनहांस हो के आए। मसाला थोड़ा नीचे चिपक रहा है, कोई बात नहीं, ये चिकन इतना पानी छोड़ेगा और प्याज को गला देगा। बस आंच को कम में रखिए, यही तो बनाएगा आपका यखनी। लगा देंगे इसमें ढक्कन और चिकन को गलने के लिए टाइम देते हैं। दोस्तों यखनी पुलाव बनाने के लिए जो मेन जो चाहिए दैट इज यखनी। तो आपका यखनी जितना फ्लेवरफुल बनेगा घी और नवाबी अंदाज से उतना ही फ्लेवरफुल आपका पुलाव रहेगा। हम डाल देते हैं नमक, तो इतना बड़ा बड़ा पीस के लिए हम डालते हैं यहाँ पे 3 चम्मच नमक, क्योंकि यही नमक से राइस भी बनने वाला है। तो नमक थोड़ा ध्यान से और थोड़ा समझ से डालिए। चिकन को जितना हिलाना है अभी अभी हिला दीजिए, नहीं तो बाद में जब चिकन गलना चालू करेगा उस टाइम आप हिलाओगे ना तो आपका चिकन का पूरा मांस निकल के आएगा, आपको बस पुलाव में हड्डी ही मिलेगा। तो दोस्तों ये है अपना गुलाब पंखुड़िया और सौंफ और शाही जीरा का पाउडर। तो ये पाउडर अभी हम थोड़ा डालते हैं, थोड़ा बचा के रखते हैं बाद में डालने के लिए। अभी हम ये टोंग से इसको उठाएंगे चिमटे से। वाह क्या स्मेल आ रहा है दोस्तों। अभी हम ढक्कन लगा के चिकन को गलने के लिए रख देते हैं। दोस्तों अभी हम चिकन में डाल देते हैं दही। आंच को करिए कम, जब दही डालना है तब आंच को कम करिए। पहले डालेंगे हम इसमें जो फ्राई किया हुआ प्याज था उसका जो तेल था, वो तेल के इसमें बहुत अच्छे से स्मेल इन्फ्यूज हो जाए। दोस्तों हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ जो काजू था, वो काजू सिट्रस फ्लेवर के लिए हम डाल देते हैं। बस छिलका निकल के गंधराज जो लेमन है, गंधराज लेमन का बस 2 पील डाल देते हैं गर्म पानी। बस दोस्तों आपका एक बहुत बहुत फाइन वाला एक यखनी आपको मिल गया। अभी ये बेस के ऊपर आप राइस को डालिए। तो राइस डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस बीच में हम इसको ढक्कन लगा के रखेंगे कि ये जो चिकन का बड़ा बड़ा पीस है वो चिकन का बड़ा बड़ा पीस पूरा का पूरा टेंडर हो जाए। तो चिकन को 70-80% ही कुक कीजिए, क्योंकि बाकी का जो राइस है वो राइस के साथ बाकी का 30% कुक हो जाएगा। तो बासमती राइस को करीब 20-25 मिनट तो पहले भिगा के रखिए, तब वो जाके क्या होता है उसका जो राइस का जो ग्रेन्स होता है ना वो खुलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अपना चिकन का क्या शेप है और चिकन सफेद बना है कि नहीं, उसके बाद हम डालेंगे इसमें भिगाया हुआ राइस। अभी बारी है चिकन का ढक्कन खोलने का। वाह वाह वाह, हम इसमें डाल देते हैं चीनी, थोड़ा ये स्वीट साइड पे ही जाएगा डिश। और हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो मैंने बस एक नींबू का रस बना के रखा था, तो यही नींबू का रस हम डाल देते हैं इसमें। तो ये बनेगा मीठा और खट्टा का एक कॉम्बिनेशन। ग्रेवी को और थोड़ा सुखा लेते हैं, फिर हम डालते हैं इसमें राइस। और राइस डालने से पहले आप ये जो पोटली है ये पोटली को उठा के हटा दीजिए। देखिए अपना चिकन जो है ना ये मांस छोड़ने को आया, मतलब ये चिकन ऑलमोस्ट 70% कुक्ड है। चलिए अभी इसमें डाल देते हैं राइस, हमने भिगा के ही रखा है राइस को। और आंच को करिए कम, गैस को करिए कम और डाल दीजिए राइस। आपको अगर और भी सफेद ग्रेवी चाहिए या तो पुलाव चाहिए तो आप दूध डाल दीजिए। राइस को थोड़ा बिछा दीजिए, हल्के हाथ में इसको बिछा दीजिए। चलिए अभी इसको ढक देते हैं और धीरे धीरे इसको पकने देते हैं। खोलते हैं ढक्कन। वाह एकदम बराबर माप में बन गया है। अभी आंच को करिए कम, पूरा का पूरा एकदम सॉलिड माप है। हम डाल देते हैं इसमें ग्रीन पीस कलरफुल बनाने के लिए और थोड़ा खड़ा सब्जी का टेक्सचर लाने के लिए। दोस्तों अभी डाल देते हैं इसमें अपना जो जेरेस बेरी था, वो जेरेस बेरी ये खट्टा बनाएगा। डाल देंगे वो जो रेड वाला जो फ्लेवर था, वो रेड वाला फ्लेवर। मिर्ची को मैंने जूलियन पे काट लिया है, जो कम तीखा वाला मिर्ची था उसको मैं जूलियन पे काट लिया। ओके अभी कुछ प्रोसेस बचा ही नहीं इसमें, अभी हमको थोड़ा इसको फोल्ड करना है। देखिए राइस कितना खिला खिला निखर के आया है, पानी का क्वांटिटी भी एकदम बराबर है, नीचे पानी जमा ही नहीं ऑलमोस्ट। अभी बस इसको फोल्ड कीजिए, राइस टूटे ना। चिकन को उठा के
ऊपर, राइस को नीचे। तो अभी इसको मंद आंच पे रख देते हैं और हम इसमें डाल देते हैं रेजिन, क्योंकि ये जो ईरानियन पुलाव होता है ना, जो यखनी पुलाव या ईरानियन पुलाव होता है, ये मेनली मीठा और खट्टा का बैलेंस होता है। चलिए अभी इसको ढक देते हैं। बहुत एक फ्रेश खुशबू आ रहा है, वो जो मिर्ची डाला था ना मैंने, जो शिमला मिर्च है, तो शिमला मिर्च के वजह से बहुत फ्रेश खुशबू आ रहा है। और अभी तो कुछ बाकी है ही नहीं इसमें, अभी सीधा का सीधा प्लेटिंग में जाना है। हम डाल देंगे इसमें सैफ्रन वाटर, ताकि ये चिकन में भी थोड़ा थोड़ा कलर लाए और राइस में भी थोड़ा थोड़ा कलर लेके आए। लो, आज का रेसिपी इधर ही खत्म। बाकी कुछ इसमें है नहीं, बस हम ऊपर से बिछा देते हैं थोड़ा सा पिस्ता एज अ ड्राई फ्रूट, लगा देते हैं ढक्कन और रहने दीजिए 5 to 7 minutes और हम जाते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो दोस्तों ये है आज अपना फाइनल प्रेजेंटेशन। मजे से आप देखिए कि ये जो पुलाव है, हर एक राइस खिला खिला है, चिकन का पीस भी कहीं पे टूटा नहीं और पूरा का पूरा अक्खा चिकन पीस है, और हरा वाला धनिया से प्रेजेंटेशन बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। कलर कप कलर बर्स्ट है इसमें। टेस्ट सिर्फ मैं ही आपको बोल सकता हूँ कि टेस्ट कैसा है, पर आप भी बना के देख सकते हो कि टेस्ट सच्ची में कैसा होता है, क्योंकि मैंने प्रोसेस जितना हो सके मैंने डिटेल्स में दिखाया। शायद आप लोगों को ये प्रोसेस अच्छा भी लगेगा, गेस्ट हो या घर पे बनाओ, को कहीं पे बनाओ, आप तारीफ ही तारीफ सुनोगे, तो इतना तो मेरा गारंटी है। तो चलिए आज के रात के लिए इतना ही, और अभी मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि सच्ची में कैसे बना है, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट किया ही नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है ये जो चिकन है ना, चिकन का, अरे वाह कितना नाइसली खोल के आ रहा है, देखिए। दोस्तों ऑसम ऑसम ऑसम, मानिए मेरी बात, बनाइए तब आपको पता चलेगा कितना ऑसम। और इसके साथ हम खाते हैं थोड़ा सा, चलिए आपके नाम पे ही थोड़ा नमक का बैलेंस, मिठास का बैलेंस सब बेहतरीन। बस एक बार आपके मुंह में वो किशमिश आ जाए, रेजिन आ जाए ना, और एक जेरस बेरी आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हेवेनली टेस्ट, बनाइए खाइए और देखिए। तो चलिए दोस्तों आज के रात के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नया रेसिपी लेके। भले मेरे पास दो रेसिपी अभी रेडी है, एक तो है चिकन, दूसरा है पुलाव, तो एक के बाद एक अपलोड करूँगा। चलिए गुड नाइट और खाते रहिए।